लॉ वेरिफिकेशन। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओम ने जो लॉ बताया था उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, हाउ विल यू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम ने कहा था कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, या अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। मीन्स वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दिया जाए तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यही तो था हमारा ओम्स लॉ। लेक्चर नंबर 3 में आपको ओम्स लॉ मैंने एक्सप्लेन किया है। लेक्चर नंबर 4 में वी प्रोपोर्शनल टू आई, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब ओम ने हटाया था तो एक कॉन्स्टेंट का यूज किया था एंड दैट कॉन्स्टेंट वॉज रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा कि जब भी फ्लो करेगी करंट किसी भी कंडक्टर में, जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी तो ड्यू टू इट्स फ्लो इट विल सफर फ्यू कोलिजन्स। जब वो बहेगी तार में, इलेक्ट्रॉन्स अगर बह रहे हैं किसी कंडक्टर में, अगर इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं तो ड्यूरिंग इट्स मोशन इट विल डेफिनेटली कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस एंड ड्यू टू दिस कोलिजन रेजिस्टेंस अकर्स। What is resistance? Resistance is the obstruction offered in the flow of current due to its flow, and this obstruction is due to collision of free electrons with positive ions. अब ये obstruction जिसे हम resistance कह रहे हैं, इस resistance को अगर numerically देखा जाए तो ये V upon I आ रहा है, ये R constant है ना। अगर इस R की जगह आप constant लिख देते हैं तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है? ओम्स लॉ कह रहा है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वी अपॉन आई रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यही है हमारा ओम्स लॉ और यही हमको यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाना है कि यदि हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं तो वी अपॉन आई रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ओम साहब ने यहाँ पर एक खास किस्म का रेजिस्टर लिया है, उन्होंने यहाँ पर एक एलॉय लिया है। एलॉय क्यों लिया है? क्या हम यहाँ पर कॉपर का रेजिस्टर नहीं ले सकते थे? भाई बिल्कुल ले सकते थे आप, लेकिन कॉपर का रेजिस्टर अगर आप लेकर ओम्स लॉ को वेरीफाई करने जाएंगे तो कॉपर इज अ प्योर मेटल, और प्योर मेटल में आप पहली रीडिंग लेंगे तो पहली रीडिंग लेने के बाद जब दूसरी रीडिंग के लिए आप रिहोस्टैट की मदद से करंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सर्किट गर्म हो जाएगा। सर्किट गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट अब नहीं रह पाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वी अपॉन आई भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो अगर हम प्योर मेटल के साथ ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे तो ये इट इज जस्ट लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक। करने को तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप उठाइए प्योर मेटल, यहाँ लगाइए, पहली रीडिंग ले लीजिए। अब पहली रीडिंग का टेम्परेचर जो कुछ भी आपने सेट किया था अपने सर्किट में, अब दोबारा रीडिंग लेने के लिए सर्किट को ऑफ कीजिए। आपका सर्किट उतना ठंडा हो जाए जितना ठंडा पहली रीडिंग में था, फिर आप रीडिंग लीजिए, फिर आप अपने सर्किट को ऑफ कीजिए, फिर उसको ठंडा कीजिए उसी टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर पहली और दूसरी रीडिंग ली थी। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और मुश्किल ही है कि आप कॉन्स्टेंट रख पाए टेम्परेचर को, क्योंकि यूजुअली सर्किट का जो टेम्परेचर होता है वो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पर ही होता है, और एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कब कॉन्स्टेंट रहता है? वो तो वेरिएबल होता है। आपने दोपहर में रीडिंग ली, आपको शाम हो गई, शाम का टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया तो वी अपॉन आई कॉन्स्टेंट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में ये बेहद ज़रूरी है कि आप ऐसे चीज़ को रजिस्टर के रूप में लीजिए जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव लगभग नहीं होता। ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड इज ओनली अलॉय। ठीक, अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस वाले लेक्चर को आप देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर का प्रभाव रेजिस्टेंस पर कैसे पड़ता है, एलॉयज पर कैसे पड़ता है, प्योर मेटल्स पर कैसे पड़ता है और सेमीकंडक्टर्स पर कैसे पड़ता है। मींस ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में हम चलिए अब देखते हैं कैसे वी अपॉन आई को कॉन्स्टेंट रखा जाएगा। ओम ने क्या क्या देखा? अभी सर्किट हमने क्लोज कर दिया है, यहाँ से बिंदी हटा दी हमने, सर्किट हमारा ओपन हो गया। अब जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करेंगे आपका एम मीटर कुछ रीडिंग देगा और वोल्ट मीटर
देगा। एमीटर आपको करंट का मेजरमेंट बताएगा और वोल्टमीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट बताएगा। तो आपने सबसे पहले केवल इसको की को ऑन करके रीडिंग नंबर वन ले लिया और रीडिंग नंबर वन में आपको मिला कि आपका एमीटर I1 एमीटर रीडिंग 1 एम्पियर दे रहा था, तो वोल्टमीटर V1 रीडिंग मान लीजिए 2 वोल्ट का दे रहा था। सपोज कर लीजिए आप कि आपका जैसे सर्किट ऑन हुआ, I1 की रीडिंग 1 एम्पियर और V1 की रीडिंग, माने V1 और I1 हमारा वोल्टमीटर एमीटर की पहली रीडिंग को शो कर रहा है। अब हम क्या करें, रिहोस्टेट के स्लाइडर को थोड़ा सा मूव करें। रिहोस्टेट के स्लाइडर, रिहोस्टेट क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रिहोस्टेट क्या है, इसने आपके सर्किट के अमाउंट ऑफ करंट को चेंज करने का जिम्मा उठा रखा है। अब रिहोस्टेट की मदद से आपने क्या किया, स्लाइडर को मूव किया और I2 को, माने इसकी रीडिंग को 2 एम्पियर पर सेट कर दिया। जैसे ही आपने I2 2 एम्पियर पर किया, आपने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 4 वोल्ट हो गया। ठीक, अब सिमिलरली आप रीडिंग नंबर 3 ले लीजिए। रीडिंग नंबर 3 में वही प्रोसेस करना है, रिहोस्टेट के स्लाइडर को थोड़ा सा और रोटेट करिएगा, तो इतना रोटेट कर दीजिए कि आपका एमीटर 3 एम्पियर की रीडिंग देने लग जाए। ये तो हमारे ऊपर है, हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, आप कुछ भी सेट कर लीजिए। हम थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने I3 को जब 3 एम्पियर पर सेट किया तो हमारा वोल्टमीटर जो है वो 6 वोल्ट की रीडिंग दे रहा था, और इसी तरीके से 3-4 रीडिंग्स आपने ले ली। तो अब यहां से आपको क्या करना है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन तब होगा जब V/I रेशियो हर बार कांस्टेंट आएगा। तो चलिए इसमें पहली रीडिंग V1/I1 निकालते हैं। V1/I1 निकाला तो आ रहा है 2/1, माने 2:1, ये हमको पहली रीडिंग से V/I का वैल्यू मिल गया। अब इसका V/I निकालिए, V2/I2, V2 है 4 वोल्ट, I2 है 2 एम्पियर, तो ये भी देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 2:1 आ रहा है V2/I2। और यहाँ पर जब आपने V3/I3 निकाला तो अगेन यू आर गेटिंग 2:1। आपको दिख रहा है कि V1/I1 इज इक्वल टू V2/I2 इज इक्वल टू V3/I3 इज इक्वल टू 2/1। यही तो ओम्स लॉ है, यही तो ओम्स लॉ है। ओम ने क्या कहा था कि V रेशियो इज ऑलवेज, यही तो हमारे ओम साहब ने कहा था कि V/I रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि हमने टेम्परेचर का पूरा ख्याल रखा है रेजिस्टर को एलॉय के रूप में लेकर के, टेम्परेचर वैरी नहीं करेगा। हाँ, सर्किट थोड़ा सा गर्म जरूर होगा लेकिन उसका प्रभाव हमारे एलॉय पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो V/I रेशियो इज कॉन्स्टेंट, हेंस योर ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। अब इस ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के बाद जो खास चीज हमको ध्यान देनी है वो ये है कि V/I का जो ग्राफ मिलता है, VI ग्राफ, IV ग्राफ, वो कैसा ग्राफ मिलता है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं, छोटा सा दिख रहा है सबको। यहाँ पर हमने मान लीजिए मान लिया है करंट इन एम्पियर, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम मान लेते हैं वी इन वोल्ट। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर लिया जाता है और वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट फैक्टर लिया जाता है। अब चलिए हम क्या करें, इसकी रीडिंग्स बना लेते हैं एक स्केल के तौर पर। हमने एक स्केल प्लॉट किया, ये इसको थोड़ा सा रब करेंगे। एक स्केल हमने क्या प्लॉट किया, मान लिया एट एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर पर करंट ले रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पर भी हम 1 सेंटीमीटर पर वोल्टेज ले रहे हैं। इसको मान ले 2, 4, 6, 8, छोटा तो नहीं, 2, 4, 6, 8, 10, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वोल्टेज। हम मान ले एट एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और हम मान ले एट वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर को हमने 2 वोल्ट माना है। देख सकते हैं यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर बराबर
बोर्ड। ये स्केल लिखना बहुत जरूरी है। किसी भी ग्राफ में अगर आप स्केल नहीं लिखते हैं तो आपका ग्राफ किसी लायक नहीं है, बिल्कुल बेकार है। अब फटाफट हम अपनी रीडिंग्स को ग्राफ पर प्लॉट कर दें। पहली रीडिंग एट आई बराबर 1 एम्पियर वी इज 2 वोल्ट। आई जब 1 था तो वी 2 था। ये देखिए हमें पहला पॉइंट मिल गया। आई जब 2 था वी 4 था, आई जब 2 था वी 4 था, दूसरा पॉइंट हमको ये मिल गया। आई जब 3 था वी हमारा 6 था, तीसरा पॉइंट हमको ये मिल गया। इसी तरीके से 4-5 रीडिंग्स आप और निकाल लेंगे तो अब सारे के सारे पॉइंट्स को जब हम मीट करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इनक्लाइन एट एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा सिंबल है। इफ यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन विद योर रीडिंग्स यू आर वेरीफाइंग योर ओम्स लॉ। इट मीन्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। दिस इज ऑल अबाउट योर ओम्स लॉ वेरिफिकेशन। मिलते हैं और कई बातों को बताने के लिए कि अच्छा चलिए कुछ एक बात और मैं आपको बता दूं कि ओम्स लॉ में प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। प्रिकॉशन नंबर 1 टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। प्रिकॉशन नंबर 2 सारे के सारे एपरेटस टाइटली कनेक्टेड होने चाहिए। प्रिकॉशन नंबर 3 सारे के सारे एपरेटस का जो सीक्वेंस है कि एमीटर सीरीज में होना चाहिए, वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए, सब कहाँ कैसे कनेक्शन होने चाहिए, वो शीमेटिक कनेक्शन भी होना, करेक्ट कनेक्शन होना भी जरूरी है। प्रिकॉशन नंबर 4 यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर आफ्टर टेकिंग रीडिंग नंबर 1 स्विच ऑफ योर सर्किट एंड देन मेक इट कूल। पहली रीडिंग लेने के बाद अपने सर्किट को ऑफ कर दीजिए, सर्किट को ठंडा होने दीजिए, तब सेकेंड रीडिंग लीजिए। इससे आपकी बिजली भी बचेगी और ओम्स लॉ भी आपका अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा। ये कुछ प्रिकॉशंस थे, आप कह सकते हो लिमिटेशंस थे हमारे ओम्स लॉ के, जिनके बिना ये हो नहीं सकता। ये VI ग्राफ है। VI ग्राफ में आपको ये जो स्ट्रेट लाइन मिला है, ये स्ट्रेट लाइन हमको क्या बता रहा है? ये स्ट्रेट लाइन हमको स्लोप बता रहा है। देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, राइट। अच्छा वाई एक्सिस पर कौन बैठा हुआ है, वोल्टेज, तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करेंट। तो स्लोप हमको क्या बता रहा है यहाँ पर, वी अपॉन आई बता रहा है। लेकिन वी अपॉन आई तो रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब कि अगर एक्स एक्सिस पर करेंट और वाई एक्सिस पर वोल्टेज है तो ये जो स्लोप है ये हमको रेजिस्टेंस बताएगा। ये स्लोप हमको क्या बताएगा, रेजिस्टेंस बताएगा। अगर आपने क्या किया, सपोज करिए आपने एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ले लिया और वाई एक्सिस पर करंट ले लिया तो स्लोप हमको क्या बताएगा। हमने एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ले लिया इन वोल्ट, ठीक, और वाई एक्सिस पर करंट ले लिया इन एम्पियर, ठीक है। अगर हमने ऐसा किया तो सेम रीडिंग्स पर हमको ग्राफ यहां पर भी स्ट्रेट ही मिलेगा। अगर रीडिंग हमारी यही वाली है तो यहाँ पे भी हमको ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर स्लोप का मतलब बदल जाएगा, क्योंकि स्लोप का मतलब तो होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। यहाँ पर वाई एक्सिस पर आपने करंट को बैठा दिया है और एक्स एक्सिस पर आपने वोल्टेज को बैठा दिया, माने आप वोल्टेज को इंडिपेंडेंट और करंट को डिपेंडेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको आई अपॉन वी मिल रहा है और आपको याद होगा ओम्स लॉ में आई अपॉन वी का मतलब होता है कंडक्टेंस। प्लीज अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे ओम्स लॉ वाले लेक्चर में चले जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आई अपॉन वी कंडक्टेंस क्यों है और ये वी अपॉन आई रेजिस्टेंस क्यों है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। तो यहाँ पर आई अपॉन वी माने आई अपॉन वी तो स्लोप था, तो यहाँ पर स्लोप हमको क्या बता रहा है, कंडक्टेंस बता रहा है, माने ये वाली लाइन इस कंडीशन में हमको कंडक्टेंस बताएगी और यही वाली लाइन इस कंडीशन में हमको रेजिस्टेंस बताएगी। इस बात का ध्यान रखना है हमको, हमको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उन क्वेश्चंस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बैठे फिजिकल क्वांटिटीज को ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि स्लोप हमको असल में बता क्या रहा है। इन्हीं बातों के साथ हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी वाया मैसेज
और कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.